अपना हनीमून छोड़कर रातों रात वेस्ट इंडीज पहुंचा भारत का विस्फोटक खिलाड़ी केएल राहुल। तो दोस्तों क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें वेस्ट इंडीज में जिस तरह के हालात थे, ना रोहित शर्मा, ना ही हार्दिक पांड्या, ना ही दोस्तों ऋषभ पंत, कोई भी वैसा धाकड़ खिलाड़ी नहीं थे, ना ही विराट कोहली, जिसके वजह से दोस्तों अब केएल राहुल को वेस्ट इंडीज दौरे पर भेज दिया गया है। आपको बता दें केएल राहुल करीब एक महीने से छुट्टी पर है, वह आपको इंग्लैंड टूर पर नहीं दिखाई दिए। इसके पीछे का मेन कारण यह था कि दोस्तों उन्हें चोट लगा था, चोट के बाद वह सीधा हनीमून पर निकल गए थे आतिया शेट्टी के साथ, और उसके बाद दोस्तों अभी फिलहाल वो अपना हनीमून छोड़कर सीधा पहुंच गए वेस्ट इंडीज, जहां पर भारतीय टीम T20 वनडे खेलने वाली है, और दोस्तों वहां पर केएल राहुल आपको अब खेलते हुए नजर आएंगे। पहले दोस्तों कैसा लगाया जा रहा था कि यह भी दौरा मिस कर देंगे केएल राहुल अपने हनीमून की वजह से, लेकिन दोस्तों उन्होंने हनीमून को छोड़कर अपने टीम को और इंडिया को ज़्यादा वैल्यू दिया है, जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको बताते चले जब विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी टीम में ना हो तो दोस्तों केएल राहुल को होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं और इनका बल्ला जब दोस्तों चलता है तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाता है। और दोस्तों फैंस इसी का इंतजार कर रहे थे केएल राहुल कब आएंगे, और फाइनली दोस्तों केएल राहुल अब टीम इंडिया से जुड़ चुके हैं। तो कैसा लगा आपको यह जानकारी जानकर कमेंट में बताइएगा, और दोस्तों क्या केएल राहुल को और आतिया शेट्टी को अब शादी कर लेनी चाहिए, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।